हेलो एवरीवन, इस वीडियो में बात कर लेते हैं HFCL लिमिटेड की। क्विकली एनालिसिस देख लेते हैं। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो यहाँ पे आप नोटिस कर रहे होंगे कि HFCL आज सही चल रहा है और जिस हिसाब से आज बुलिश मोमेंटम था तो ये एक पैटर्न बनते हुए नज़र आ रहा होगा आपको कुछ दिन से। उसी का आज ये नतीजा था कि स्टॉक ने आज एक बुलिश मोमेंटम देखने को मिला। डबल बॉटम का पैटर्न बनाइए, कुछ ऐसा सा पैटर्न रहा ये, और यहाँ पे जाके अब एक बुलिश मोमेंटम आपको देखने को मिल सकता है। और ये पैटर्न्स ऐसे ही बनते हैं, जब भी निकलेंगे तो ऐसे ही निकलेंगे। और यहाँ पे आप देखोगे एग्जैक्ट इस लेवल से आपको बायर्स का एक एरिया देखने को मिला है। यहीं से आज बाइंग मोमेंटम था और पैटर्न कंप्लीशन यहीं से ही निकलते हुए देखने को मिला है आपको। तो जिस लेवल से स्टॉक में बुलिश मोमेंटम आया वो यहीं था। और आप देखोगे इस लेवल को फॉल पहले भी नहीं किया स्टॉक, यहाँ पे देखो ब्रेक नहीं हुआ स्टॉक का लेवल, और यहाँ पे भी स्टॉक ने ब्रेक नहीं दिया इसका। तो ये कन्फर्म हो गया एक सपोर्ट का काम कर रहा है यहाँ पे। और अगर इसको और एक्सटेंड कर दो आप तो यहाँ पे ये रेजिस्टेंस बना था इस जोन के अराउंड पे, रेजिस्टेंस बना था स्टॉक ने, एक राउंडिंग बॉटम बनाया था फिर यहाँ से, और यही फिर यहाँ से सपोर्ट बना था जब स्टॉक आगे निकला था। तो ये एक सपोर्ट बहुत अच्छा काम कर रहा है यहाँ पे। और जो ऊपर की बात कर लें स्टॉक की, तो ये एक थोड़ा हर्डल देखने को मिला है आज। और हर्डल वो इसलिए कह सकते हो आप बिकॉज ये सेलर्स का एरिया है, और यहीं से एग्जैक्ट आप देखोगे पहले भी एक रिवर्सल देखने को मिला है। ये लेवल ब्रेक हुआ था तो सडन फॉल आया था। ये बात है 12th September की, जब इन्फ्लेशन डेटा आया था उस दिन एक सडन फॉल आया था लेवल ब्रेक होते ही। और पहले भी इसके बाद जब इस लेवल के अराउंड स्टॉक पहुंचा तो यहां से ही फॉल देखने को मिला है। तो सेलर्स का एरिया आपको ये वाला क्लियर हो गया, दोनों लेवल मैंने बता दिया। अब कल की बात जो रहेगी वो कुछ ऐसा है कि अगर इस लेवल को ब्रेक करता है स्टॉक तो ये वाली हर्डल देखने को मिलेगी। यहाँ की नहीं है, पहले की हर्डल है पुरानी, कुछ यहाँ से इस लेवल के पास आ रही है। और मैं पहले भी कह चुका हूँ ये जो जोन बनते हुए दिख रहा है ना आपको, इधर रेक्टेंगल है जो बड़ा सा, ये दिक्कत देने वाला है आपको आने वाले टाइम में, क्योंकि इस जोन में मैंने काफ़ी ट्रेड की है। और अभी की नहीं, HFCL मेरा बहुत फेवरेट स्टॉक है और मैंने इसमें बहुत पैसा कमाया है। स्टॉक जब मोमेंटम दिखाता है तो अच्छा चलता है, बट इस जोन के पास आप जैसे ही आओगे तो आपको पता चल जाएगा क्या सिनेरियो रहने वाला है। जोन में आके फंसेगा स्टॉक यहाँ पे, अभी सही निकलेगा, ये एक लेवल पे पहुँचेगा तो यहाँ हर्डल फेस होगी 78 के अराउंड। और जैसे ही 80 के आसपास पहुँचेगा स्टॉक तो इस जोन में फंस जाने वाला है, और 82-83 तक इसी जोन में काफ़ी समय स्टॉक कंसोलिडेट करते हुए दिखेगा आपको। बात मान लीजिएगा ऐसे ही रहने वाला है। तो अगर यहाँ से आप शॉर्ट कर रहे हो तो यहाँ पे अपनी पोजीशन से एग्जिट कर सकते हैं 82 के आसपास। ऊपर जाएगा इस जोन से तब आप बाय करिएगा, बिकॉज मेरा खुद का अनुमान है इस स्टॉक में, और ये हमेशा इसी जोन के आसपास फंसता है। तो अगर कल की कोई बाइंग आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो फिर वो इस लेवल को ब्रेक होने के बाद ही बाय करिएगा, बिकॉज जो बाइंग होगी आपकी वो 77 मान के चल सकते हैं। और फिर एग्जैक्ट जो हर्डल आपको रहेगा वो 78.50 के आसपास लगेगा, वो हर्डल क्रॉस हो जाएगा तो फिर आपका जो टारगेट रहेगा 82-83 रहेगा, और इस जोन में फंसने वाला है स्टॉक। यहीं से एग्जैक्ट रिवर्सल भी पहले भी देखने को मिले हैं, क्योंकि आप देख रहे हो अगर यहाँ से आप एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना लें तो आपको पता चल जाएगा इसी लेवल से बहुत रिजेक्शन आ रहे हैं। तो यहाँ भी रिजेक्शन की आप अनुमान लगा सकते हैं कि रिजेक्शन आपको यहाँ भी फेस देखने को मिलेगा। सडनली नहीं भागने वाला HFCL के 100 हो जाएगा बहुत ही अगले 2 हफ्तों में, ये स्लो जाएगा। स्लो स्टॉक है, रिटर्न्स अच्छे देता है, डिविडेंड भी अच्छा ही निकालता है, तो स्लो स्टॉक है, सेफ स्टॉक है। और ये इस जोन में जब फंस जाएगा, इसके बाद जब ऊपर बुलिश मोमेंटम दिखाएगा तब आपको 90s के टारगेट दिखाएगा, और वो टाइम लेगा उसका, 1-1.5 महीना ले जाएगा, आपको सडनली नहीं दिखाएगा ये, यहाँ पे टाइम बहुत बिताने वाला है। तो उसी हिसाब से अपनी ट्रेड प्लेस करिएगा और अपने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ज़रूर लगा लीजिए, क्योंकि मार्केट में वोलेटिलिटी बहुत ज़्यादा हो रही है, और जिस हिसाब से स्टॉक सडनली एकदम से गिर जाता है वो कहीं ना कहीं रिटर्न्स बिगाड़ देता है इन्वेस्टर्स के। तो उस हिसाब से ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा दीजिए। गतिविधि मैंने बता दी HFCL का क्या होने वाला है कल को, और जस्ट इन केस अगर फॉल होता है बाय एनी मीन्स, ये लेवल तो ब्रेक नहीं होना चाहिए, यहाँ कहीं सपोर्ट लेना चाहिए। वन आर टी एफ ए भी स्टॉक इस लेवल के आसपास सपोर्ट ले सकता है 74 के आसपास। तो ये एक तो ये लेवल हो गया, और सेकंड लेवल हो गया 71। अभी तो स्टॉक सही चल रहा है और सपोर्ट्स भी उसके सही देखने को मिल रहे हैं, तो ऐसे चलने वाला है आपका HFCL। वीडियो यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दिस इज़ मी शुभम यादव, साइनिंग ऑफ।